बैंकों के कार्यों की समीक्षा तथा उसमें सुधार लाने हेतु विचार मंथन के लिए बॉटम अप परामर्श प्रक्रिया तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ उनके समागम का पहला चरण बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में संपन्न हुआ, जिसमें सभी 106 शाखा प्रमुखों ने भाग लिया। यह अपनी तरह की पहली परामर्श प्रक्रिया है जो शाखाओं को अपने कार्य निष्पादन की समीक्षा, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े मुद्दों, भविष्य की रणनीति और आगे बढ़ने के तरीकों पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण को बढ़ावा देना और बैंकिंग को आमजन के साथ केंद्रित करते हुए वरिष्ठ नागरिकों, छोटे किसानों, छोटे उद्योगपतियों, उद्यमियों, युवाओं और छात्रों जैसे विभिन्न वर्गों को जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना भी है। इस बैठक के दौरान राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं तथा आर्थिक विकास के लिए क्रेडिट समर्थन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि क्षेत्र और ब्लू इकोनॉमी, जल शक्ति, एमएसएमई क्षेत्र और मुद्रा ऋण, शिक्षा ऋण, निर्यात ऋण इत्यादि मुद्दों पर अद्यतन प्रगति के साथ भविष्य की रणनीति तय करने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता पवन त्रिपाठी के साथ। उसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि हम कैसे एग्रीकल्चर ऋण को बढ़ा सकें ताकि हम 2022 तक हमारे भारतीय किसान की आय को दोगुना कर दें। उसमें ये भी मंशा की गई है कि हम कैसे लघु उद्योगों को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ज्यादा से ज्यादा ऋण दे सकें ताकि वो इस अर्थव्यवस्था के अंदर अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर सकें। तीसरा इसमें ये कहा गया है कि हम रिटेल लोन में बैंक प्रणाली के जरिए कैसे हर आदमी को एक छत यानी आवास यानी हाउसिंग दिला सके, उसके लिए हाउसिंग लोन पे एक गरीब से गरीब तबके से छुपी हुई प्रतिभाओं को एजुकेशन लोन दे सके, उसके लिए हम मंथन करें और कोशिश करें बैंक इस शिक्षा के क्षेत्र में उनको ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें। चौथा इसका ये है, क्योंकि आज के समय में हर आदमी के पास मोबाइल है, मोबाइल से जब वो बात करता है तो उसके हाथ में बैंकिंग भी होनी चाहिए, तो हमारा उद्देश्य है कि हम डिजिटल पेमेंट, डिजिटल बैंकिंग के जरिए हर आदमी तक कैसे पहुंच पाए, बैंक की कैसे सुविधा उसके पास, उसके जेब में, उसकी मुट्ठी में रहे, तो डिजिटल बैंकिंग के ऊपर इसमें विचार विमर्श किया गया है और कैसे हम इस सूचना प्रौद्योगिकी आईटी को कैसे ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग में उपयोग कर सकें उस पे मंथन किया गया है। और सबसे बेहतरीन व्यवस्था ये की गई है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी अच्छी सुदृढ़ प्रणाली कैसे लाई जा सके और देश का एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, इस एक्सपोर्ट क्रेडिट पे मंथन किया गया है। और लास्ट में है, इस देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन हम कैसे बढ़ा पाएंगे, ये इसके 8 और 9 महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें ये भी हमने मंथन किया है कि हमारी भारत सरकार ने अपने 20 पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से उनके एरिया डिफाइन किए हैं, जिसमें जल शक्ति भी है, जनधन भी है, जिसमें हाउसिंग भी है, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी है। तो जो 20 पॉइंट उन्होंने किया है, उन 20 सूत्री कार्यक्रमों के तहत हम बैंकर्स कैसे ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सके विकास के लिए, देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और खुद के व्यवसाय के लिए, ये इस थीम की बहुत बड़ी आपको भूमिका है। अब इस प्रदेश से रिलेटेड में आपको कुछ, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य बैंक ऑफ बड़ौदा और इस प्रदेश से